दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल मेहंदी है रोशनी वाली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर देखने को मिलेगा अब करवा चौथ का त्योहार। दरअसल यहाँ पर शो में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर ईशा के घर पर पुलिस लेकर पहुंच जाता है उसका पति और कहता है कि मेरी पत्नी को इन्होंने कुछ जानबूझकर उसे किडनैप करके रखा है। लेकिन वहाँ पर राघव को पता चल जाता है, काका उसे इन्फॉर्म कर देते हैं और राघव पहुंच जाता है परिवार को बचाने के लिए और ईशा गवाही भी दे देती है और कहती है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा होने नहीं देता है और इस सब कारनामे के पीछे किसी और का नहीं सनी का ही हाथ है, जो कि अब ईशा के जरिए राघव और पल्लवी को अलग करना चाहता है। और देखने को इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर राघव ईशा को कह तो देता है कि तुम जहाँ भी जाओ खुश रहो, लेकिन ईशा को अब उसका पति जाने नहीं देगा और राघव डर के मारे उसके लिए नया घर यहीं ढूंढेगा और कोशिश करेगा कि वो कहीं नई जगह जाकर रहे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर पल्लवी देखने मिलता है कि पल्लवी कहती कि नहीं वो यहीं रहेगी और यहाँ पर अम्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिल्कुल भी ये सही नहीं है कि वो इस घर में आके रहे। लेकिन पल्लवी को समझना नहीं है और उसे लगता है कि शायद उसको मदद करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कीर्ति को भी पता चल चुका है और वो कीर्ति से भी पल्लवी पूछते नजर आती है कि मैं राघव को इम्प्रेस करूँ तो कैसे करूँ। और यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है करवा चौथ के व्रत का। पर अपने आप को ईशा एक बार फिर से राघव की पत्नी के रूप में इमेजिन करने वाली है, तो दूसरी तरफ पल्लवी राघव की पत्नी बनकर यहाँ पर लाल जोड़े में नजर आएगी और करेगी व्रत को पूरा और राघव की आरती भी उतारेगी और उसके लिए व्रत रखकर लंबी उम्र की प्रार्थना भी करेगी। जबकि उसी दिन राघव पल्लवी समझ कर ईशा को प्रपोज कर देता है, तो काफी हाई वोल्टेज आवा देखने को मिलने वाला है क्योंकि ईशा की इस घर में एंट्री हो चुकी है और अब वो राघव और पल्लवी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो दूसरी तरफ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब पल्लवी और राघव दोनों ही अब कैसे ईशा को अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हैं।